अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, फ़ज़ाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है, ऑनलाइन क्लासों को स्टार्ट किया है। तो कई लोगों को समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन क्लासों को किस तरह लेना है और किस तरह अटेंड करना है ऑनलाइन क्लासों को। तो ये देखने के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह अटेंड की जाती हैं, हमारे साथ रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करते ही आप लोगों ने जो एड्रेस बार है यहाँ पे lms.fazaia.edu.pk लिख के इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी, फ़ज़ाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो आपने नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे क्लास 3 to 12, यहाँ पे नीचे क्लिक टू ज्वाइन क्लास पे आप क्लिक करें। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल नज़र आएगा, टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के बाद आपने जो है ना, जो क्लास आपकी है, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 6 का जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप ऐसा करें, पहले इंग्लिश इंग्लिश का टाइम आप इंग्लिश लिख लें, इंग्लिश के साथ टाइम लिख लें 9 से 10 बजे। इसके बाद मैथ्स का लिख लें 10 से 11 बजे, और इसके साथ साइंस जनरल साइंस लिख लें 11 से 12 बजे। नीचे आ जाएं, कॉलेज सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी अपने इलाके का कॉलेज। मैं फ़ज़ाइया FIC कोहाट को सेलेक्ट करता हूँ। नीचे मैं क्लास लेता हूँ, क्लास में सेलेक्ट करता हूँ क्लास 6। मैं क्लास 6 ले रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लें। सर्च के बाद जो आप लोग किया ना, ब्राउजिंग शुरू होगी। नीचे आ जाए तो क्लास 6 की जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो अनिका इकबाल और नाज़िश अली लिखा हुआ है। आपने अनिका इकबाल की का नाम और आईडी लिख लेना है, उसके बाद नाज़िश अली का नाम और आईडी लिख लेना है। उसके बाद कॉलेज ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्लास सेलेक्ट कर लें 6, और सब्जेक्ट जो है ना अभी इंग्लिश की जगह मैथ्स कर लें, सर्च कर लें। और ये क्लास टीचर के नाम और आईडी आई हुई है, ये नाम और आईडियाँ दोनों लिख लें। उसके बाद क्लास अगेन क्लास सेलेक्ट करें, और उसके बाद इंग्लिश मैथ्स हो गया है, जनरल साइंस करें, सर्च करें, उनके नाम और आईडिया आ जाएंगी, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, ये नाम और आईडियाँ आ गई हैं, ये आप लोगों ने एक पेज पे लिख लेनी है। और ये जो अपनी क्लास है, अपनी क्लास और ये सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है, ये आप लोगों ने एक पेज पे लिख लेना है, ताकि हर दफ़ा आप लोगों को गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र पे ना आना पड़े। मिनिमाइज़ कर लें। इसके बाद आप लोगों ने जो है ना प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आ जाएं, यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी मैंने जूम के नाम से सर्च की हुई है, और ये जूम को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों ने जूम क्लाउड मीटिंग को जो है ना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएगा इस तरीके से। स्क्रीन पर जूम को ओपन करें, ओपन करने के बाद ज्वाइन मीटिंग कर लें। ज्वाइन मीटिंग के बाद यहाँ पे क्लास टीचर की आईडी देनी है। ऑलरेडी मैं क्लासेस अटेंड कर चुका हूँ बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मैं ये आई हुए हैं मेरे पास कुछ टीचर्स के नाम, ये टीचर्स की आइडिया हैं। यहाँ पे आप लोगों ने आईडी करके बच्चे का नाम लिख लेना है। ऑलरेडी मैं अली शेर के नाम से बच्चे का नाम लिख चुका हूँ। ज्वाइन मीटिंग कर लेना है। ज्वाइन मीटिंग के बाद आप लोगों से एक पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप लोगों ने पासवर्ड 1 2 3 4 दे देना है। याद रखें, किसी भी क्लास टीचर के किसी भी सब्जेक्ट के लिए आईडी और नाम के बाद जो आप लोगों से पासवर्ड मांगा जाएगा, वो सबके लिए 1 2 3 4 ही होगा। ओके कर लें। अभी क्लास का टाइम है नहीं, और क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं तकरीबन, तो अगर ये क्लास का टाइम होता तो उधर से ऑलरेडी वो एक्सेप्ट करती, आप लोग ऑनलाइन हो जाते। यानी अभी क्लास का टाइम है नहीं, आप कल अपने टाइम पे अपने सब्जेक्ट और क्लास के हिसाब से ज्वाइन कर लें। उधर से जो ही क्लास टीचर अटेंड करेगी आप लोगों की ये ज्वाइन मीटिंग को, तो आप लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।